आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमी पर आशियां बनाया उसने, मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी कुर्बानी मेरे मसीह की, सूली जहां है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। हे रब्बी, तू कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हमें ऐसा भोजन कहां मिलेगा? मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मनुष्य का पुत्र है। तू ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर सारे तेरी प्रतीति करें? तू क्या करेगा? हमारे पूर्वजों ने निर्जन प्रदेश में मन्ना खाया है,
जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि उन्होंने उसे स्वर्ग से खाने के लिए रोटियां दी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। जीवन की रोटी मैं हूं। हां, मैं विश्वास करता हूं जो तू कहता है। जो मेरे पास आएगा वह कभी भी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया परंतु विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? हाँ, इच्छा क्या है? और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। आ गुनहगार, आ यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। आ गुनहगार, आ यीशु तुझे बुला रहा है। वह ऐसे कैसे कह सकता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं? क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? मगर वो ये ऐसे कैसे कह सकता है कि वो स्वर्ग से उतरा है? हाँ, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, वह फिर जी उठेगा। वो मनुष्य है, मेरी समझ में नहीं आता वो यह कैसे कह सकता है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं आते, परंतु वो जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। उसने आश्चर्य कर्म किए हैं जो किसी व्यक्ति या नबी ने नहीं किए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अधिकार के साथ दावा करे कि मैं अंतिम दिनों में मनुष्य को फिर से जीवित करूंगा, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। चलो हम चलकर सुनते हैं वो उपदेश दे रहा है। हाँ। ताकि हम उसकी सूचना सभा में दे सकें। हाँ, चलो चलो। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। किसी ने पिता को नहीं देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। वो इस बात पर जोर क्यों देता है कि जीवन की रोटी वही है?
और ये कैसे हो सकता है कि जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा? तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यहां तक कि शास्त्र में मनुष्य का मांस खाने की आज्ञा नहीं देते। मैं उसके उपदेश और आश्चर्य कर्म को प्यार करता हूं, पर क्या कोई इन उपदेशों को ग्रहण करेगा? हां, या तो वो सच्चा है और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, या वे फरीजी और शास्त्री सच्चे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे और उसका लहू न पियोगे तुम्हें जीवन नहीं आएगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। पर ऐसा कैसे हो सकता है रब्बी? हां रब्बी, पर ऐसे कैसे हो सकता है? शायद वो ठीक कह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर रब्बी ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित रहूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वही यही है। बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। यह बात नागवार है, इसे कोई कैसे सह सकता है? यह बात नागवार है, इसे कोई कैसे मान सकता है? क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाएगा तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। मैं इस शिक्षा को नहीं मानता। मैं भी नहीं। मसीह पिलाएगा, विश्वास जो भी मसीह पिलाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं जाना चाहते प्रभु। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? तुम्हारे पास अनंत जीवन का वचन है।
हाँ रब्बी, हम नहीं जाना चाहते। हाँ 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 प्रभु, हम नहीं जाना चाहते। हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का सच्चा पुत्र तू ही है। क्या मैंने तुम बारों को नहीं चुन लिया? हाँ प्रभु, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। शैतान? शैतान? हम में से शैतान? शैतान? और हम लोग हम में से शैतान? नहीं, कौन है शैतान? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है शैतान? कौन हो सकता है? ये उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारह में से था उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। उसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसे मार डालना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि वो इन उपदेशों को हर जगह फैला दे। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन वो है कहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मुझे दो मछलियां देना, मुझे बहुत भूख लगी है। और मुझे दो रोटी देना। चलिए चलिए प्रभु, आइए, आप भी आइए। फरीसी और सब यहूदी धर्म वृद्धों की नीति पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और भी बहुत सी बातें हैं जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। रब्बी, क्या धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना चाहिए? हाँ, ऐसा लिखा है। तब ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पुत्र की कमाई जो इसके माता पिता के लिए है, वो ईश्वर को कैसे समर्पित कर दे? परंतु मैं कुर्बान वचन रख रहा हूँ। तुम्हारा बेटा सच कह रहा है, क्योंकि यहोवा ने ये आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधे, शपथ खाए, वो अपना वचन न टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसके अनुसार वो करे। एक बेटे का कुर्बान वचन अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहने की जिम्मेदारी है, जिनका की कुल वर्णन धर्म पुस्तकों में भी किया गया है। उसे अपने कुर्बान वचन के प्रति वफादार रहना चाहिए। तभी तेरे चेले क्यों पुरानी रीति बनी चलते और अब बिना हाथ धोए रोटी खाते? यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, और क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। परंतु हम उन आज्ञाओं को मानते रहे जो हमारे बाप दादों ने सिखाया था। तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे तो वह अवश्य मार डाला जाएगा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुंच सकता है वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है
वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुम्हें ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। क्या तू जानता है फरीजियों ने यही वचन सुनकर ठोकर खाई? हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है, गुमराह क्यों तू भटके? यीशु तुझे बुला रहा है, आ गुनहगार। प्रभु ये दृष्टांत हमें समझा दें। क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, चिंता, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें हैं, भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में चला गया। रही है उनकी जो था।